स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज के वीडियो में एक नया रोम लेके आऊँ Redmi के K20 Pro में, जिसका नाम है Durfest OS, जो कि Android वर्जन 11 पे बेस्ड है। तो गाइस हम करेंगे इस रोम का रिव्यू और देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें इस रोम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको Android वर्जन 11 का सपोर्ट देखने को मिलता है और जो सिक्योरिटी पैच है वो 5 नवंबर का देखने को मिलता है। तो गाइस इसमें कर्नल जो आता है आपको 4.14.117 कर्नल देखने को मिलता है। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे क्या कुछ फीचर्स हमें और भी देखने को मिलता है इस रोम में। तो सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो सिक्योरिटी में आप देख सकते हो फेस अनलॉक का फीचर देखने को मिलता है, फिंगरप्रिंट का भी सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिलता है। मैं आपको दोनों ही चीज़ें चेक करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा फ़ोन ऑफ है, अभी मैं करता हूँ इसे ऑन, और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं कवर करता हूँ अपना फ्रंट कैमरा और फिंगरप्रिंट रखता हूँ, तो ये वर्क करता है। तो मैं आपको एक बार और टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने फेस अनलॉक पे अपना, तो फेस अनलॉक रिकॉग्नाइजेशन फेल हो चुका है, आप देख सकते हैं मैंने फिंगरप्रिंट रखा, तो ये काफ़ी अच्छे से वर्क करता है और काफ़ी फास्ट वर्क करता है। फेस अनलॉक की बात करूँ तो फेस अनलॉक भी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे डिटेक्ट करता है इंस्टेंट अनलॉक हो जाता है। तो गाइस ये दोनों ही फीचर काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। ऐप लॉकर का सपोर्ट आपको इस रोम में प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता है। अब गाइस बढ़ते हैं इसके बाकी के फीचर में। तो गेस्चर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी गेस्चर का ऑप्शन इसमें देखने को नहीं मिल रहा है। और गाइस यहाँ पे आपको एक और सेटिंग देखने को मिल रहा है पॉपअप कैमरा का, इसमें कि आप कैमरे की LED और कैमरा को कैलिब्रेट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे साउंड इफेक्ट भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आपका फ़ोन का जो कैमरा है पॉपअप होता है तो क्या साउंड इफेक्ट आपको देखने को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो साउंड इफेक्ट आपको देखने को मिल जाता है। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके बाकी के फीचर्स के अंदर, हमें इसमें कस्टमाइजेशन का क्या क्या ऑप्शन देखने को मिलता है और रोम का परफॉर्मेंस वगैरह क्या देखने को मिलता है। तो मैंने बेंचमार्क टेस्ट ऑलरेडी कर रखा, तो यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस जो स्कोर है वो 3,94,000 का देखने को मिलता है। आपको गेमिंग और परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा इस रोम में। और गाइस आपको लैग वगैरह भी इस रोम में देखने को नहीं मिलेगा। DRM इन्फो की बात करें तो वाइड 1L1 का सपोर्ट देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जो सिक्योरिटी सेफ्टी नेट की बात करूँ तो ये भी आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ, तो ये भी आपको पास देखने को मिलता है। मैंने अभी तक अपना फ़ोन रूट नहीं किया तो भी ये पास होता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। मैंने कोई भी बाईपास की ट्रिक इसमें यूज़ नहीं की। गाइस इस रोम में आपको GApps प्री इंस्टॉल देखने को नहीं मिलता है, आपको बाहर से GApps का फाइल इंस्टॉल करना पड़ता है। मैं आपको GApps की भी फाइल का लिंक दे दूंगा, दोनों ही डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको विद GApps चाहिए तो GApps वाली सिलेक्ट कर लीजिए, और विदाउट GApps चाहिए तो वाली फाइल सिलेक्ट कर लेना। तो गाइस अब बढ़ते हैं इसके बाकी के फीचर्स के, तो हम करेंगे इसका पबजी टेस्ट और देखेंगे क्या कुछ गेम प्ले की सेटिंग हमें देखने को मिल जाती है। तो गाइस यहाँ पे हम देखेंगे क्या सेटिंग हमें देखने को मिलता है। तो हम जाएंगे ग्राफिक्स के तरफ में, तो यहाँ पे आप देखते हो, तो गाइस यहाँ पे ग्राफिक्स की तरफ में आप देखेंगे तो HD विथ एक्सट्रीम सेटिंग्स आपको डिफॉल्ट देखने को मिलता है। आपको HDR एक्सट्रीम का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। अल्ट्रा HD में आपको अल्ट्रा FPS तक का सपोर्ट देखने को मिलता है। तो हम इसको डिफॉल्ट रखेंगे HD और एक्सट्रीम सेटिंग में, और एक गेम प्ले करेंगे, देखेंगे लैग वगैरह हमें देखने को नहीं मिलता है कि नहीं। Thank you.
तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने छोटा सा गेम प्ले करके दिखाया है कि आपको पबजी में कोई लैग वगैरह देखने को नहीं मिलता है HD में एक्सट्रीम सेटिंग्स पे। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अब नए वीडियो में नए रोम के साथ।